News 18, India. जनवरी में घाटी बिना बर्फबारी के सूनी रही, तो फरवरी में कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में तो 5 से 6 फीट बर्फ जमा हो गई है। यहाँ जहाँ तक नजर जा रही है, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। आपके सामने दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर तनमर्ग और दूसरी तस्वीर सोनमर्ग के रोजिला की है, जहां लगातार हो रही बर्फबारी से पर्यटकों की तादाद में जबरदस्त उछाल आया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें बेहद खूबसूरत है, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि परेशानी भी है। पहली तस्वीर में आप देखिए कि कैसे बर्फ हटाई जा रही है। हालिया बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। इस वक्त हर तरफ से कश्मीर में बर्फ देखने को मिल रही है। ये माउंटेन्स आप देख सकते हैं, ये पीर पंचाल रेंज है, गुलमर्ग, टंगमर्ग और बाकी जो एरियाज हैं बर्फ से ढके हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी है। कल भी गुलमर्ग एरिया में जो है एवलांच आए थे, सुनो एवलांच, उसकी जद में स्कीयर्स आए थे, लेकिन फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया जिसकी वजह से स्कीयर्स की जान बचाई गई। और ये सिलसिला जो है बर्फबारी का तकरीबन 7 दिनों तक जारी रहा। और आप देख सकते हैं जो कदावर पहाड़ हैं वहाँ पर तकरीबन 6 फीट बर्फ है। ये पूरा एरिया जो है पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज है। और ये गुलमर्ग आप देख सकते हैं, गुलमर्ग के अफरवट में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई और गुलमर्ग के प्लेन एरिया में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद जो है यहाँ पे कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है, मनफी दर्जा हरारत है। और कुकरनाग में 3 दिन पहले -17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, मिनिमम जो रीसेंट टाइम्स में लोवेस्ट टेम्परेचर है। द्रास हो, कारगिल के बाकी एरियाज हों, वहाँ पे भी दर्जा हरारत गिर गया है। लेकिन कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और जो बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे बर्फबारी के बाद टूरिस्ट्स का रश बढ़ गया है। टूरिस्ट्स लगातार आ रहे हैं क्योंकि बर्फबारी काफ़ी टाइम से नहीं हुई थी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। अब चूंकि बर्फबारी हुई है और टूरिस्ट्स जोग दर जोग कश्मीर आ रहे हैं और यहाँ की इकोनॉमी को उससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। फिलहाल कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी है और लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा था खुशकसाली होगी। तकरीबन 56 दिनों के बाद जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिला और गुलमर्ग में तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा अरसे के बाद बर्फबारी हुई और अब गुलमर्ग के पूरे एरिया में स्कीइंग एक्टिविटीज़ भी शुरू हुई। फिलहाल कश्मीर घाटी में ठंड ज़्यादा है, लेकिन बर्फबारी के बाद लोग खुश हैं और टूरिस्ट लगातार आ रहे हैं। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा एक यूसीसी बिल, सीएम धामी बोले जनता से किया वादा कर रहे हैं पूरा। सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे, वो समय हमारा आ गया है। ज्ञानवापी मामले में अलग अलग कोर्ट में अहम सुनवाई आज, हिंदू पक्ष के बंद तहखाने में सर्वे की मांग पर जिला कोर्ट में सुनवाई। तहखाने में पूजा को बंद करने की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दावा, कहा तीसरे टर्म में बीजेपी को 370 सीट, एनडीए 400 पार। एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा।